ये कहानी समंदर के सफर की एक सच्ची कहानी है, जहां पर क्रू मेंबर्स को न सिर्फ जिंदगी की इम्पोर्टेंस का पता चलता है, बल्कि उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि कुदरत के आगे, किस्मत के आगे इंसान की कोई हैसियत नहीं है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इन द हार्ट ऑफ द सी। ये कहानी शुरू होती है सन 1850 में, जहां पर हरमन मेलविल नाम का एक राइटर थॉमस निकर्सन नाम के एक आदमी के पास आता है। दरअसल आज से 30 साल पहले यानी कि सन 1820 में एक्सिस नाम का एक पानी का जहाज डूब गया था। जहाज डूबने के बाद क्रू मेंबर्स को बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसमें कुछ ही लोग बचे। और आज 30 साल बाद उन बचे हुए लोगों में थॉमस ही एक ऐसा इंसान है जो जिंदा है। हरमन जो कि एक राइटर है, थॉमस से उस पूरी कहानी को सुनना चाहता है ताकि वो उसके ऊपर अपनी किताब लिख सके। हालांकि थॉमस उस कहानी को उसे बताना नहीं चाहता, पर उसकी पत्नी कहती है कि हमें पैसों की जरूरत है और हरमन इस कहानी के बदले हमें पैसे देने के लिए तैयार है। अपनी पत्नी के कहने पर थॉमस हरमन को कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि आज से 30 साल पहले सन 1820 में, जहां पर एक बंदरगाह में बहुत बड़े बड़े शिप्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर मछलियों का और साथ ही साथ व्हेल मछली से जो ऑयल निकलता है उसका बहुत बड़ा व्यापार होता है, जिस ऑयल की इस दौर में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इसीलिए एक बहुत बड़ी कंपनी के कुछ ओनर्स एक सेलर को बुलाते हैं जिसका नाम होता है ओवन चेज। वो ओवन को बोलते हैं कि हम अपने सबसे बड़े शिप जिसका नाम एसेक्स है उसे समंदर में भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम शिप में फर्स्ट मेट बनकर जाओ। ये सुनकर ओवन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि आखिरी जर्नी के बाद उसे वादा किया गया था कि उसे अगली जर्नी में शिप का कैप्टन बनाया जाएगा, और उसे कैप्टन ना बनाकर कैप्टन के बाद की जो पोजीशन होती है वो दी जा रही होती है, जिससे ओवन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। कंपनी के ओनर्स उसे कहते हैं कि अगली जर्नी में हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। ओवन उनसे कागज पर यह लिखवा लेता है। दरअसल इस बार जिसको शिप का कैप्टन बनाया गया उसका नाम जॉर्ज है, और वो कंपनी के जो मालिक है उन्हीं मालिकों में से एक का बेटा है। अब जहाज में सफर की तैयारी होना शुरू हो जाती है। इस सफर में एक 14 साल का लड़का भी शामिल होता है जिसका नाम थॉमस है। वो अनाथ है। थॉमस वही आदमी है जो प्रेजेंट टाइम में ये पूरी की पूरी कहानी राइटर को सुना रहा है। थॉमस और उसका साथी इस सफर में शामिल हो जाते हैं और एसेक्स जहाज अब समंदर के सफर पर निकल पड़ता है। जहाज की जब सेल्स नीचे कर रहे होते हैं तो एक सेल अटक जाती है, जिसे नीचे करना बहुत जरूरी होता है। ओवन बड़ी बहादुरी से और फुर्ती से ऊपर चढ़ता है, चाकू से रस्सी को काट के वो सेल को खोल देता है, जिससे ये पता चलता है कि ओवन अपने काम में बहुत माहिर है, जबकि इस शिप का जो कैप्टन है जिसका नाम जॉर्ज है उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। साथ ही वो ओवन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो शिप का पूरा चार्ज अपने हाथ में लेना चाहता है, जबकि शिप के सभी लोग जानते हैं कि ओवन शिप के कैप्टन जॉर्ज से भी ज्यादा अपने काम में कुशल है। पूरा दिन सफर करने के बाद अगले दिन ये समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां पर ओवन शिप के क्रू मेंबर्स को शिप की जो सेल्स होती है यानी कि पर्दे, जिनसे हवा टकराकर शिप को स्पीड मिलती है, उन्हें कम करने के लिए कहता है क्योंकि मौसम खराब होता है। पर जब जॉर्ज ये सब देखता है तो वो अपनी बात ऊपर रखने के लिए, अपना रौब दिखाने के लिए कहता है कि सारी सेल्स खोल दो ताकि शिप को स्पीड मिले। हालांकि ओवन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जॉर्ज कहता है कि हम अपने सफर में पहले लेट है, हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सारी सेल्स खोलने के बाद शिप पूरी स्पीड से तूफान की तरफ बढ़ना शुरू करता है और बहुत जल्द वो तूफान की चपेट में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा तूफान होता है जिसमें शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि ओवन का फैसला बिल्कुल सही था कि उन्हें सेल्स को कम रखना चाहिए, पर जॉर्ज ने अपनी बात ऊपर रखने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए सारी सेल्स खोल दी, जिस वजह से शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तूफान पूरी तरह से थमने के बाद जॉर्ज ओवन से कहता है कि हम जल्दी वापस जाएंगे ताकि हम अपने शिप को रिपेयर कर सके। साथ ही वापस पहुंचने के बाद तुम एक माफीनामा लिखोगे, जिसमें तुम लिखोगे कि तुमने अपने कैप्टन के ऑर्डर्स नहीं माने, जिस वजह से कई लोगों की जान जा सकती थी। मुझे तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। ओवन ये सुनकर पूरी तरह से हैरान होता है। वो जॉर्ज से कहता है कि सेल्स को नीचे करना तुम्हारा ऑर्डर था, तुम्हारी वजह से हम तूफान में फंसे। जॉर्ज कहता है कि मैं अपने क्रू को टेस्ट कर रहा था। ओवन कहता है कि तुम टेस्ट कर रहे थे वो भी तूफान के बीचों बीच, ये एक बहुत ही गलत कैप्टनशिप है। इस बात से जॉर्ज पूरी तरह से भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम एक किसान के बेटे हो, मेरे खानदान के बारे में मत भूलो, मेरे पूरे खानदान ने इसी काम को किया है। दरअसल इस वक्त में किसी शिप का कैप्टन होना बहुत बड़ी बात थी, जिस बात का घमंड जॉर्ज के अंदर होता है। ओवन खाली हाथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर ये खाली हाथ गए तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए जॉर्ज को समझाता है। वो कहता है कि बिना ऑयल के वापस जाना आपके परिवार की शान के खिलाफ होगा, मैं भी चाहता हूं कि हम ऑयल इकट्ठा करें और जल्द से जल्द वापस चले जाए। जिस काम के लिए हम यहां पर आए हैं उस काम को हमें पूरा करना होगा। जॉर्ज उसकी बात मान जाता है और इसके बाद ये समंदर की और भी गहराइयों में बढ़ते चले जाते हैं। इन्हें आज समंदर में पूरे 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने
महीने बाद इन्हें वेल्स का एक झुंड दिखता है, जहां पर ये अपने बड़े जहाज से 3 छोटी छोटी नौकाओं में समंदर में वेल मछली का शिकार करने के लिए उतर जाते हैं। ये वहां पर एक वेल मछली का शिकार भी करते हैं। के बाद वेल मछली को शिप पर लाया जाता है, जहां पर उसकी बॉडी के अंदर जो ऑयल होता है उसे निकाला जाता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत सारा ऑयल होता है। वेल मछली के ऊपर जो छेद किया होता है वो बहुत छोटा होता है, और इस पूरे शिप में सबसे छोटा लड़का थॉमस है, जो 14 साल का है। सेकंड टाइम में राइटर को ये पूरी कहानी सुना रहा है। इस वेल के शिकार के बाद इन्हें कई महीनों तक कोई भी वेल नहीं दिखती। इन्हें लगभग समंदर में पूरा 1 साल हो चुका है। ये सब अपने घर से बहुत दूर हैं। इनके खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला है। साथ ही साथ ओवेन और जॉर्ज के बीच में जो दरार थी अब वो और भी बढ़ चुकी है। इन्हें खाने पीने का सामान चाहिए, इसीलिए ये एक टापू के पास अपना शिप रोकते हैं और नाव से उस टापू पर जाते हैं, जहां पर इनके पास जो वेल ऑयल होता है ये उसका सौदा करते हैं। यहां पर इन्हें एक कैप्टन भी मिलता है, जो इन्हीं की तरह वेल ऑयल का काम किया करता था, पर अब उसका एक हाथ नहीं है। ओवेन और जॉर्ज उसके पास जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि हमें वेल्स कहां पर मिलेंगी। वो कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले जब मेरे पास अपना शिप था, यहां से 2000 मील दूर वेस्ट में हमें इतनी सारी वेल्स मिली थी कि हम एक दिन में 3000 बैरल ऑयल इकट्ठा कर सकते थे। 3000 बैरल ऑयल बहुत ज्यादा है। जॉर्ज और ओवेन के पूरे सफर का टारगेट 2000 बैरल ऑयल का है। इसके बाद वो कैप्टन बताता है कि हम वेल्स को मारकर ऑयल ले सकते थे अगर वहां पर वो व्हाइट वेल नहीं आती, जिसकी लंबाई लगभग 100 फुट की है। वो समंदर का शैतान है जिसने एक ही बार में हमारे पूरे शिप को नष्ट कर दिया। मेरे 6 लोग मारे गए, साथ ही साथ मैंने अपना एक हाथ भी खो दिया। पर ओवेन और जॉर्ज उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वो अपना शिप लेकर वेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब ये उस जगह पहुंचते हैं जिस जगह के बारे में कैप्टन ने बताया था, तो उसकी बात सच होती है। यहां पर वेल्स का झुंड होता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। यहां से एक ही दिन में ये इतना ऑयल निकाल सकते हैं कि ये वापस अपने घर जा सके। ये सब के सब अपने बड़े शिप से छोटी बोट्स में समंदर में वेल मछलियों का शिकार करने के लिए उतर जाते हैं। और जब ये शिकार कर रहे होते हैं, तभी यहां पर व्हाइट वेल आती है। ये वही दैत्यनुमा वेल मछली है जिसके बारे में इन्हें कैप्टन ने बताया था, उस कैप्टन ने जिस कैप्टन ने इन्हें यहां का रास्ता दिखाया है। वो वेल मछली इतनी बड़ी होती है कि एक ही वार में इनकी नाव को पलट देती है। इसके बाद इनके बड़े शिप पर भी वो हमला करती है, जिससे इनका शिप नीचे से लीक होना शुरू हो जाता है। पर ओवेन इस वेल मछली का शिकार करना चाहता है, इसीलिए वो अपने भाले को डबल करता है और वेल मछली पर निशाना लगाता है। उसका निशाना एकदम सही जगह पर लगता है। भाला वेल मछली के शरीर में गड़ जाता है। ये भाला एक रस्सी से बंधा होता है और ये विशाल वेल मछली लगातार पानी की गहराइयों में जा रही होती है। एक पॉइंट पर आकर इनकी रस्सी खत्म हो जाती है। रस्सी का छोर शिप के बीचों बीच जो पोल होता है उससे बंधा होता है, और बहुत जल्दी इनका वो पोल भी टूट जाता है। इनका पूरा शिप डैमेज हो चुका है, जो लगातार डूब रहा होता है। वही वेल मछली के शरीर में जो भाला गड़ा होता है वो भी उसके शरीर से निकल जाता है। ये सब के सब अपनी कश्तियों में पानी में उतर जाते हैं, और कुछ ही पलों के बाद इनका पूरा शिप पानी में पूरी तरह से समा जाता है। और अब इनके सामने एक ऐसा सफर है जिसके बारे में इन्हें नहीं पता कि ये सफर इन्हें कहां ले जाएगा। एक बार फिर से किस्मत इनका साथ नहीं देती। समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसमें इनका एक साथी जख्मी भी हो जाता है। इन्हें समंदर में इसी तरह से बहते हुए पूरे 34 दिन हो चुके हैं। इनके खाने का जो राशन है वो भी अब लगभग खत्म हो चुका है। पर तभी इन्हें उम्मीद की एक किरण दिखती है। इन्हें एक आइलैंड दिखता है, जिसे देखकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं और ये अपनी तीनों नाव को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं। पर तभी एक बार फिर से वही विशाल व्हाइट वेल मछली जिसने इनके शिप को डुबाया था, वो एक बार फिर से इन पर हमला कर देती है और इनकी सभी बोट्स को डुबा देती है। ये सब के सब बहते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अब ये सब के सब आइलैंड पर हैं। यहां पहुंचकर ये फैसला करते हैं कि ये यहां पर दिन रात आग जलाकर रखेंगे, ताकि दूर से अगर कोई शिप गुजरे तो आग और धुआं देखकर उन्हें समझ में आ जाए कि इस आइलैंड पर लोग फंसे हुए हैं। वही ओवन को दिखाया जाता है, जो खाने की तलाश कर रहा होता है। तभी उसे एक गुफा दिखती है। वो गुफा में सबको बुलाता है। ये सब देखते हैं कि गुफा के अंदर कई कंकाल पड़े हैं, यानी कि इन्हीं की तरह कुछ लोग पहले यहाँ पर आकर फंस गए होंगे, और जिस तरह से ये यहाँ पर मदद की उम्मीद कर रहे हैं, इस वजह से इन सब की यहाँ पर मृत्यु हो गई। ये समझ जाते हैं कि समंदर के इस भाग में कोई भी शिप नहीं आता, इसीलिए इनके पास जो इनकी टूटी फूटी नाव होती है उन्हें रिपेयर करके ये एक बार फिर से तैयार कर देते हैं। और अब
ये सब के सब यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, पर इनके कुछ साथी जाने से मना कर देते हैं। इसमें ओवेन का एक दोस्त भी होता है। ओवेन कहता है कि एक बार मैं घर वापस पहुंच जाऊं, मैं तुम्हारे लिए मदद जरूर भेजूंगा। ये सब के सब बोट्स में यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इनका सफर अभी बहुत लंबा है। बहुत जल्दी इनमें से इनका एक साथी मर जाता है। समंदर के कानून के हिसाब से उसे पानी में बहा देना चाहिए, पर ओवेन ऐसा करने से अपने साथी को मना करता है। वो जानता है कि इनका मरा हुआ साथी इन सबको जिंदा रख सकता है। वो इन सबके लिए खाना है, क्योंकि इनके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इन सबको अपने ही साथी को खाना पड़ता है, जिससे थॉमस, जो मात्र 14 साल का है, वो पूरी तरह से खौफजदा हो जाता है। पर अभी भी इनकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं निकला, क्योंकि इनका सफर इन्हें नहीं पता कि कितना लंबा होने वाला है। धीरे धीरे इन्हें समंदर में 71 दिन हो जाते हैं, और अब ये अपना पेट भरने के लिए एक गेम खेलते हैं, जिसमें जो भी हारता है उसे अपनी जान देनी पड़ती है, ताकि वो बचे हुए लोगों का खाना बन सके। अब जब ये गेम खेलते हैं, तो उसमें जॉर्ज, जो कि शिप का कैप्टन था, वो हार जाता है। उसके कजन को कहा जाता है कि तुम्हें जॉर्ज को मारना पड़ेगा, पर वो जॉर्ज को नहीं मारता, बल्कि वो अपने आप को गोली मार देता है। जॉर्ज, जिसे अपने कैप्टन होने पर अपने खानदान पर बहुत घमंड था, कुदरत ने उसके पूरे घमंड को अब चकनाचूर कर दिया है। ये कई दिनों तक समंदर में इसी तरह से बहते रहते हैं, और एक दिन फिर से वो विशाल व्हेल, जिसने इनके शिप को तबाह कर दिया था, इनके नाव के बीचों बीच आ जाती है। ओवेन अपने भाले को उठा लेता है, ताकि वो इस व्हेल को मार सके, और जब व्हेल उसके पास से गुजरती, तो उसे वो घाव का निशान भी दिखता है, जो पिछली बार उसने भाला मारकर इस व्हेल मछली को दिया था, वो उसकी आंखों में देखता है। कुछ पल सोचने के बाद ओवेन उस पर हमला नहीं करता, व्हेल मछली चुपचाप वहां से चली जाती है, और इसके बाद वो कभी भी उनके पीछे नहीं आती। कुछ दिन और इसी तरह समंदर में सफर करते हुए कैप्टन जॉर्ज और ओवेन की जो बोट्स होती है, वो दोनों की दोनों अलग हो जाती हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। पर बहुत जल्दी पास से गुजरता हुआ एक शिप दूरबीन से कैप्टन जॉर्ज की बोट को देख लेता है, और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओवेन की बोट लगातार पानी में बह रही होती है, ना उनके पास पीने के लिए पानी है, ना खाना, और जब वो पूरी तरह से जिंदगी की लड़ाई हार चुके होते हैं, तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे पक्षी दिखते हैं, और जब वो दूर देखते हैं, तो वहां पर एक आइलैंड होता है, जिसे देखकर जॉर्ज और 14 साल के थॉमस के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। ये अपनी बोट उस तरफ ले जाते हैं। बहुत जल्दी उस आइलैंड से इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है, और ठीक 3 महीने बाद 11 जून सन 1821 को ये अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। ओवेन की पत्नी ओवेन को देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल सबने मान लिया था कि ये सब के सब अब मर चुके हैं। जॉर्ज जब इस सफर पर गया था, तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, और अब उसकी बेटी भी कुछ बड़ी हो चुकी है, जिसे उसने पहली बार देखा है। इसके बाद वो कंपनी जिसने ओवेन को और कैप्टन जॉर्ज को इस सफर पर भेजा था, वो इन दोनों को बुलाती है। वो कहते हैं कि बहुत जल्द इंक्वायरी होगी। दरअसल इस सफर में इनके बहुत सारे लोग मारे गए होते हैं, इसीलिए इनसे पूछा जाएगा कि सफर में क्या हुआ था। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें एक झूठी कहानी बतानी होगी, ताकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनी के सामने बनी रहे। पर ओवेन उनकी बात मानने से मना कर देता है, हालांकि वो उसे पैसों का लालच भी देते हैं, पर वो कहता है कि मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। वो अपना इस्तीफा दे देता है। यहां पर कैप्टन जॉर्ज को अब इंक्वायरी के सामने बिठाया जाता है। हालांकि उनके पिता भी इस कंपनी के ओनर्स में से एक ओनर है, पर उसने मौत को बहुत नजदीक से देखा है, इसीलिए अब वो बदल चुका है। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो इंक्वायरी के सामने बता देता है कि उनके शिप को व्हाइट व्हेल ने डुबाया था। वही कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां पर जो नन्ना थॉमस था, जो 14 साल का था, वो ये पूरी कहानी राइटर को सुना रहा होता है। वो उसे बताता है कि कैप्टन जॉर्ज एक बार फिर से समंदर में गए उस व्हाइट व्हेल के शिकार के लिए, पर वो उन्हें कभी नहीं मिली, और इसके बाद कैप्टन जॉर्ज को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। वहीं ओवेन ने, जैसा कि अपने दोस्त से वादा किया था कि वो उसके लिए मदद भेजेगा, उसने अपना वादा पूरा किया। पर जब उस आइलैंड पर मदद पहुंची, तो ओवेन का दोस्त मर चुका था। हालांकि वहां पर बाकी 3 लोग अभी भी जिंदा थे, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन 3 को बचा लिया गया। इसके बाद ओवेन ने अपने परिवार के साथ शहर को छोड़ दिया। वो एक मर्चेंट कैप्टन बन गया, और हमेशा उसने अपने शिप को अपनी शर्तों पर ही चलाया। थॉमस राइटर से पूछता है, क्या तुम ये सब कुछ लिखोगे? वो कहता है कि नहीं, मैं एक फिक्शनल कहानी लिखूंगा, जो कि सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड होगी। पर यहां पर मुझे कहानी से भी बेशकीमती चीज मिली, और वो है करेज, यानी कि साहस। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जो लड़ते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हरमन, जो कि राइटर है, वो चला जाता है। वो 1 साल में इस किताब को पूरा करता है। इस किताब का नाम रखता है मोबी डिक, जो अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस होती है। तो ये थी पूरी कहानी इन द हार्ट ऑफ द सी। ये फिल्म सन 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म
फिल्म की रेटिंग है 6.9। इस फिल्म का बजट था 100 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 93.9 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।